जय श्री कृष्ण। पेट्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपना वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। नई शुरुआत कर रही हूँ, तो नई शुरुआत मिठाई से होती है। तो मैं आज मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ। चलो देखिए वो कैसे बनाते हैं। मेरी हिंदी भाषी सहेलियों के लिए ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ। उनका बहुत आग्रह था कि मैं अपना वीडियो हिंदी में बनाऊँ। तो मैथिली, चांदनी, करिश्मा, आरती, ये आपके लिए। मूंग की दाल का हलवा बनाने के लिए डेढ़ कटोरी दाल धो के 6 घंटे भिगोई थी। अब उसको मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसने में पानी बिल्कुल नहीं डालना है, वो आसानी से इसी तरह पीस जाती है। अब हलवा बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखी है, उसमें हम 1/4 कटोरी घी डालेंगे और उसको अच्छी तरह गरम कर लेंगे। घी गरम हो जाने के बाद उसमें ये पीसी हुई है मूंग की दाल, उसको डाल देंगे, पूरा डाल देंगे और इसको अच्छी तरह हिलाते रहेंगे। उसको अच्छी तरह हिलाना है, वरना वो नीचे चिपक जाएगा। मूंग की दाल का हलवा मतलब हाथों की कसरत। ऐसे गोल गोल घुमाते जाओ, ऐसे प्रेस करके हिलाओ, लेकिन हिलाते रहो। उसको अच्छी तरह हिलाना है और ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा घी डाल, वापस उसको हिलाते जाओ। एकदम अच्छी तरह प्रेस करके हिलाना है। आधा घंटा हो गया हिलाते हुए, अब पूरी तरह सीख गया है। अब उसमें काजू बादाम और पिस्ता के कतरन डालेंगे, फिर उसको मिल्क मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट डाल के अच्छी तरह घुमा लिया है। अब उसमें केसर भिगो के रखा था दूध में 15 ततन, वो डाल देंगे और घुमा लेंगे। अब इसमें 1/4 कटोरी प्लेन दूध डालेंगे। इसमें मावा भी पड़ता है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मैं दूध ही डालती हूँ। अब उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूध डालने के बाद अच्छी तरह इसको हम घुमाएंगे। दूध पूरी तरह उसमें मिक्स हो जाए तब तक उसको घुमाना है। दूध डालने के बाद 10 मिनट घुमाया तो ऐसा मिक्सर हो गया है, पूरी तरह दूध इसमें मिक्स हो गया है। अब उसमें शक्कर डालेंगे। मैंने 1/4 कटोरी शक्कर डाली है, मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ। और शक्कर डाल के वापस इसको इसमें पूरी तरह मिक्स कर लेंगे। शक्कर डालने के बाद 5-7 मिनट स्लो गैस पे ऐसे घुमाया। अब सीरा अपना बिल्कुल रेडी है, कढ़ाई भी देखो छोड़ रहा है। अब गैस बंद कर देंगे। मूंग की दाल का सीरा रेडी है। अब उसको एक बाउल में निकालेंगे, उसमें बादाम की कतरन डालेंगे। तो तैयार है मूंग की दाल का टेस्टी टेस्टी हलवा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करना। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करना। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।